हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था अपने लास्ट दूसरे तीसरे वीडियो में कि हम अपने चैनल के लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं, लाइक लिटरली कुछ ऐसी चीज़ हम लोग लेने वाले जिससे हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो फाइनली वो चीज़ आ चुकी है। सो गाइस, इस चीज़ के आने के बाद हमारे चैनल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है और इस चीज़ का हम काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे, बट वो चीज़ काफ़ी दिन से आ नहीं पा रही थी, कुछ इशू हो रहा था डिलीवरी में जिसकी वजह से इतना टाइम लगा, और फाइनली वो चीज़ आ चुकी है गाइस। और इसके आने के बाद एक अलग ही खुशी चेहरे पे फील हो रही है। वो तो आपको देख के पता ही चल रहा होगा कि हम दोनों ही कितने ज़्यादा खुश हैं, बिकॉज क्या करें, ये एक बहुत दिन से मेरा लेने का मन था कि नहीं मुझे क्या मुझे ये चीज़ लेनी है, बट वो नहीं ले पाए थे। तो फाइनली ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना करते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जानते हो कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये रही हमारी कंटेंट क्रिएशन किट। यस, एंड दिस इज सोनी ZV-1 कैमरा। सो इट्स अ फुल किट जिसमें एक यूट्यूबर को जिस जिस चीज़ की जरूरत है वो सब कुछ इसमें मिलता है। तो फाइनली इसको ओपन करते, वैसे हम लोग ओपन कर चुके हैं क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट थी कि हम लोग इतना कंट्रोल नहीं कर पाए, बट फिर भी आप गाइस आपके सामने दोबारा से ओपन करता है और हर चीज़ सब चीज़ को आपके सामने विद डिटेल के साथ प्रेजेंट करता है। सो इट्स अ कंटेंट क्रिएशन किट, सो बेसिकली इसमें हर वो चीज़ होगी जिसकी जरूरत हमें है, जैसे कि कैमरा तो मस्त होता ही है, उसके बाद में शूटिंग भी हो गया एंड माइक हो गया एंड वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अभी तक हम लोग ब्लॉग चैनल पर अपने जितने भी वीडियो शूट करते थे वो सारे मोस्टली फ़ोन से ही होते थे, जिसकी वजह से क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती थी, और मेरे चैनल पर भी मोस्टली कभी कैमरे से तो कभी फ़ोन से, जिसके से क्वालिटी ऊपर नीचे होती रहती थी। और अभी तक बात करते हैं ना कैनन, हम लोग अभी तक मैं हम लोग वीडियो शूट करते थे कैनन EOS 3000D से, जो कि DSLR है, मतलब जिसके लिए मुझे परमानेंट एक कैमरामैन चाहिए होता था कि नहीं मेरे फ्रेम पूरा कैसे आ रहा है या फिर कुछ भी गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना, तो उस वजह से वीडियो शूट करने थोड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे दिख रही हूँ और इनको क्या पता यार कैसा। सो गाइस, इस कैमरे के आने के बाद हमारे ब्लॉगिंग चैनल का एंड दूसरे वाले चैनल का भी इम्प्रेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। यस, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी होगी तो आप लोगों को देखने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए इस किट से शुरू करते हैं। सो ये बॉक्स खोलने के बाद में भी इसके अंदर तीन और बॉक्सेस हैं। सो फर्स्ट वन इस बॉक्स में निकलता है अपना सोनी ZV-1 कैमरा, एंड सेकेंड में इसमें आती है बैटरी। एंड जो मोस्ट एक्साइटेड पार्ट है ना इसका, वो है ये शूटिंग ग्रिप, लाइक दिस वन इज रियली रियली। नॉर्मल कैमरे में क्या होता है, हम लोग जब शूट करते हैं तो सिर्फ ट्राइपॉड ही होता है एंड जो कुछ भी कंट्रोल करना है सारे या तो फ़ोन कैमरे में डायरेक्टली बटन से करना पड़ता है, बट इस कैमरे में ऐसा नहीं है, इसका सब पूरा कंट्रोल पैनल इसकी शूटिंग ग्रिप में ही होता है। सो गाइस, शूटिंग ग्रिप से कैमरे को ऑपरेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है एंड कुछ भी आपको करना है उसमें सारे बटन सामने मौजूद रहेंगे, इसमें बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और खासकर ये कैमरा ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एंड बेस्ट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लिटरली हमें कुछ भी लाइक कैमरे को बाबा मूव नहीं करना पड़ेगा कि उसमें क्या कंट्रोल करना है कैसे करना है, तो सब कुछ शूटिंग ग्रिप में दिया हुआ है, सब कुछ उसे कंट्रोल हो सकता है, लाइक सब कुछ तो नहीं, कुछ चीज़ें तो फिर भी कैमरे से ही करनी पड़ेंगी, बट मोस्टली काफ़ी चीज़ें शूटिंग ग्रिप से हैंडल हो जाती हैं और इसको यूज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। प्ले करना, पॉज करना एंड जो बैकग्राउंड का जो ब्लर है उसको करना और या फिर बैकग्राउंड फोकस में रखना है, वो सारा कुछ ग्रिप से, शूटिंग ग्रिप से कंट्रोल हो जाता है। तो अब दिखाते हैं हम अपना कैमरा, हम लोगों ने पूरा उसको सेट कर लिया है पहले से ही। तो ये रहा गाइस अपना सोनी ZV-1 कैमरा। यस, एंड दिस वन इज रियली रियली अमेजिंग। इसमें जो हम लोग को फ़ायदा है ना, जो सबसे मेन चीज़ है, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, इसकी स्क्रीन गाइस फ्लिप हो जाती है, चाहे इसको आगे कर लो चाहे पीछे कर लो, इसकी फ्लिप जिस हिसाब से आप चाहो उस हिसाब से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यस, जैसे ही मुझे अगर कहीं कभी कभार अकेले भी वीडियो शूट करना पड़ जाए ना तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, अब लिटरली मुझे बस ऐसे स्क्रीन फ्लिप करके रख लेना है आराम से एंड मुझे सब कुछ दिख रहा है कि कैसा क्या आ रहा है, और इसका फोकस तो माय गॉड गजब, इतना गजब फोकस मैंने अभी तक किसी कैमरे का नहीं देखा है। लिटरली जितना फ़ोन में फोकस होता है ना, लाइक फ़ोन की तो बात ही अलग हो जाती है, बट जितना एक नॉर्मल कैमरे में फोकस होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा इसका फोकस अच्छा है।
कैमरा है गाइस अच्छे खासे DSLR से कहीं ज्यादा बेटर है ये वाला कैमरा। तो DSLR एंड पॉइंट एंड शूट में काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। DSLR में या आप ऑटो फोकस में डाल दो तो इतना अच्छा फोकस नहीं आता था कि पॉइंट एंड शूट में फोकस होता है। एंड इसके साथ में एक माइक इनपुट भी दिया हुआ है, अगर हम लोग एक्सटर्नल माइक लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। बट इसके माइक में ऑलरेडी विंडस्क्रीन दिया हुआ है जिसकी वजह से जो बाहर की नॉइस है वो ज़्यादा कुछ इंटरप्ट नहीं करती है। सो इट्स ऑल इन वन किट। सो इसका जो प्राइस हम लोग को पड़ा है वो जो इसका प्राइस है ना वो है 70,990 का। बट वी आर प्राइम मेंबर, सॉरी प्राइम डे की जो सेल चल रही थी ना उसकी उस पर हम लोग को डील मिली थी, ये सिर्फ 62,990 का पड़ रहा था। मतलब कि 63,000 के मान सकते हैं, बट थोड़ा वो बैंक कार्ड का वो सब लगा हुआ कि हम लोग को ये पड़ा है 62,450 रुपीज़ का। बट जो इसका जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा है ना वो ये कि इधर कैमरा खरीदा पूरा इतना महंगा, बट उसके साथ में चार्जर ही नहीं दिया। मोस्टली ये इस गाइस इसका बहुत ही अच्छा नेगेटिव पॉइंट माना जा सकता है, बिकॉज इतना महंगा कैमरा जो भी ले रहा है उसके साथ एटलीस्ट में एक चार्जर तो मिलना ही चाहिए। लेकिन इसके लिए चार्जर हम लोगों ने अलग से परचेज किया, इसके साथ चार्जर नहीं मिला था। एंड इसके साथ में गाइस 64GB का एक मेमोरी कार्ड भी मिला है। तो इसीलिए ना इसीलिए पूरी कंप्लीट किट है, कैमरा, बैटरी, मेमोरी कार्ड, विंडस्क्रीन अडाप्टर एंड उसके साथ में शूटिंग ग्रिप, ये टोटल ऑल इन वन मिल जाता है ना, तो काफी से कन्वीनियंट हो जाता है कि नहीं सारे। एक यूट्यूबर के लिए अच्छा खासा एक परफेक्ट किट है। इसको लेने के बाद शायद ही उसे कुछ चीजों की जरूरत और भी पड़े, लेकिन ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। अब फाइनली स्विच करते हैं अपने कैनन EOS 3000D से सोनी ZV-1। नाउ वी आर शूटिंग विद आवर न्यू ZV-1 कैमरा, सॉरी सोनी ZV-1 कैमरा, एंड आपको क्वालिटी में चेंज तो समझ में आ ही रहा होगा। सो गाइस इस अभी आप जो देख रहे हैं सोनी ZV-1 इसकी क्वालिटी में और जो इससे पहले जो हम DSLR यूज करते थे कैनन का 3000D उसकी क्वालिटी में बहुत ही ज्यादा अंतर है। हम लोग शूट करते थे कैनन 3000D से जो रहा ये अभी तक इस कैमरे से शूट करते थे, और ये रहा हमारा कैनन 3000D कैमरा। यस, अभी तक हम लोग इस कैमरे से शूट करते थे एंड इट टाइम टू से गुड बाय टू दिस कैनन 3000D। सो बेसिकली तो अभी हम लोग इसको भी अपने पास ही रखने वाले हैं क्योंकि अभी काफी ज्यादा काम में हमेशा काम में तो थोड़ा बहुत आता ही रहेगा, कभी फोटो क्लिक करनी है देन दिस वन इज रियली अमेजिंग, बट वीडियो शूटिंग के लिए इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है ये, वो तो मैं कहूँगी बिकॉज आप अकेले इससे वीडियो शूट नहीं कर सकते हो। अगर DSLR को ऑपरेट करने के लिए एक बंद तो चाहिए ही जो कैमरे के पीछे रहे इसको ऑपरेट कर सके, और ये रहा पॉइंट एंड शूट कैमरा, इसको शूट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इससे क्या है कि अकेले भी यूज कर सकते हो, बिकॉज इसकी स्क्रीन है जो फ्लिप हो जाती है, इसको अपने साइड मूव करके इसको अकेले ही यूज कर सकते हैं। और इसकी क्वालिटी तो गाइस सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। एंड आप इसका फोकस तो और ही ज़्यादा अमेजिंग है, आपको फोकस देखना है, ये रहा फोकस, ये देखिए ये मतलब फोकस इतनी जल्दी एडजस्ट करता है ना ये, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इसमें इसका फोकस ये देखिए गाइस, ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सो अभी तक जितने भी मेरे मेकअप प्रोडक्ट होते थे ना वो इतने अच्छे से शो नहीं हो पाते थे, सिर्फ वही दिक्कत थी कि जूम इन जूम आउट कौन करेगा, एंड उसके बाद कभी कभी कोई बैकग्राउंड ही पूरा चेंज हो जाता था, कभी इतना बैकग्राउंड आ रहा है और इन्होंने जूम कर दिया तो जूम करके छोड़ दिया, सिर्फ उतना सा ही आता रहता था बैकग्राउंड, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। बट इसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ इसको तो मैं अकेले ऑपरेट कर सकती हूँ, लाइक लिटरली मुझे जूम इन जूम आउट करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जूम इन एंड जूम आउट वो जितना आप लोग करना चाहें, इसको ऑपरेट करना का बहुत ही ज़्यादा इजी है, अकेले खुद से ऑपरेट कर सकते हो और अच्छा खासा वीडियो शूट कर सकते हो। अब मुझे वीडियो शूट करने के लिए ना इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप आओ मेरा कैमरा लगा दो एंड पूरा फोकस सेट कर दो कि कैसा आ रहा है। सॉरी हम लोग थोड़ा ऐसा साइड में देख रहे हैं क्योंकि हम लोग उसकी स्क्रीन पर लगातार देख के जा रहे हैं। गाइस इसको भी क्या है कि फर्स्ट टाइम ऐसे शूट कर रहे हैं तो उसकी स्क्रीन पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है, और अभी शूट कर एक दो वीडियो और शूट होंगे अच्छा खासा इसका हैबिट हो जाएगी, फिर एकदम परफेक्ट आएगा। ओके सो आज का हमारा वीडियो यही था कि हम लोग को टेक्लेट अपना ये न्यू कैमरा आप लोगों के साथ में शेयर करना था, एंड वी होप आप लोग को हमारा ये न्यू सोनी ZV-1 जरूर पसंद आएगा, बिकॉज अगर हम लोग के पास कैमरा अच्छा होगा तो हम लोग की सारी वीडियोज़ की क्वालिटी भी और ज़्यादा अच्छी आएगी।
एंड उससे आप लोग को वीडियो देखने में मजा आएगी। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज इस चीज में अब आपको उस चीज से उसके जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें क्वालिटी में क्वालिटी एंड साउंड एकदम क्लियर मिलेगा। यस, अब क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। सो मीट यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।